गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वादिष्ट खाना किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे। तो जिसके लिए मैंने गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इसको कद्दूकस करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो गाइस, हमने जो अपनी गोभी है वो आपको दिख रही हुई काट ली है। अब हम इसको इस तरीके से सारी कद्दूकस कर लेंगे। जितनी भी हमारी गोभी है सबको हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे, और ज़्यादा बड़े बड़े कद्दूकस नहीं करने। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए इस तरीके से करने हैं। तो कर लेंगे हम सारी, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस, हमारी जो गोभी है वो अच्छे से कद्दूकस हो गई है। अब हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, फिर उसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। इतना नमक डालना है, देखिए 2 चम्मच नमक होएगा, 2 से 2.5। तो आप इतना नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और इसके बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ दें, ताकि जो इसका पानी है गोभी का वो निकल जाए, और उसके बाद फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। तो गाइस, इसमें हमने नमक डाला था, तो इसे कम से कम 10 मिनट हो गए हैं, 10 से 15 मिनट। अब हम इसका जो पानी है वो निचोड़ लेंगे। देख सकते हैं आप, अब इसी तरीके से सारे जो है हम अपने गोभी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। अगर हम वैसे ही बनाते नमक ऐड करके सीधा और पराठे बनाते, तो हमारे पराठे बनते नहीं, क्योंकि गोभी में पानी होता है जिसे निकालना ज़रूरी होता है। तो गाइस, आप देख सकते हैं इतना पानी निकला है हमारी गोभी में से, और ये हमारी गोभी है जो हम निचोड़ चुके हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर अपने मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो मैं मसाले ऐड करने से पहले आपको दिखा देती हूँ। ये साबुत लहसुन है जिसे हमने कूट लिया है। ये हरी मिर्च है, 10 हरी मिर्ची हैं जिन्हें हमने अच्छे से चॉप कर लिया बारीक। और ये धनिया है जिसे भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये जीरा है जिसे मैंने अच्छे से भून लिया है, पाउडर नहीं बनाया, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो गाइस, अब हम अपने जो सामान है उसको ऐड करेंगे। तो हम पहले अपनी हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, और फिर धनिया, और फिर हमारा जो लहसुन है वो भी ऐड कर देंगे। और हम इसके अंदर नमक ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले ही ज़्यादा डाल दिया था। अगर आप कम नमक डालें तो आप ऐड कर सकते हैं। और फिर हम अपना जीरा ऐड कर लेंगे, तो इसलिए हम इसके अंदर नमक नहीं डालेंगे, हम आटे में नमक डालेंगे। तो गाइस, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम हाथ से मिक्स कर रहे हैं, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, पर चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसलिए हम हाथ से मिक्स करते हैं। और जो नमक है उसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम नमक ऐड नहीं करेंगे, हम आटे में नमक ऐड करेंगे। तो इसलिए आप गोभी में निचोड़ने के बाद नमक ना ऐड करें, क्योंकि पहले ही हम ज़्यादा नमक डाल देते हैं, जिससे कि गोभी हमारी पहले ही नमक की हो जाती है। अगर हम और नमक ऐड कर देंगे तो हमारे पराठे जो है कड़वे बन जाएंगे। तो गाइस, हमारा जो ये गोभी का मिक्सचर हो चुका है, स्टफिंग अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम अपना आटा है वो भी गूंद लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस, हमने आटा ले लिया है हम, और हमने अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हमने 1 चम्मच नमक डाला है इसमें, क्योंकि 2 चम्मच नमक हमने पहले ही डाल दिया था, तो हम कम ही नमक डालेंगे। तो गाइस, अब हम इसे गून लेंगे, हमारे आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने जो अपना आटा है वो अच्छे से गून लिया है, और आटे को थोड़ा ढीला गूंदे, टाइट ना गूंदे, जिससे कि जो हमारे पराठे हैं वो फटते नहीं है। अगर हमारा आटा ढीला होता तो, अगर टाइट होएगा तो हमारे पराठे जो है फट जाएंगे। तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो गाइस, हमने गैस जला लिया, अब हम इसके ऊपर अपना तवा रख देंगे और इसको गर्म होने देते हैं, जब तक हम अपनी लोइयां हैं वो काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़े साइज़ की लोइयां नहीं काटनी है, आप थोड़े मीडियम साइज़ की काटें, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, तो मीडियम साइज़ की, इस साइज़ की लोइयां काटें, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे बेलेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए इस तरीके से ही बेलें आप, देखिए
तो गाइस हमारी जो हमने छोटे साइज की पहले हमें रोटी टाइप में बना लेनी है, फिर उसके बाद हम अपनी स्टफिंग है जो इसमें फिल करेंगे, फिर इसे अच्छे से बंद कर देंगे चारों तरफ से। देखिए इस तरीके से बंद करनी है, इस तरीके से आप हाथ की मदद से प्रेस भी कर सकते हैं ताकि जो हमारे गोभी है वो ऊपर ना रह जाए। देखिए अच्छे से दबा दें इस तरीके से। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे परांठे फूलते नहीं है या हमारे परांठे किस वजह से, हमारे परांठों के बीच में जो आटा है वो रह जाता है, तो वो इस वजह से रह जाता है। आप हमेशा जो अपना पराठा है वो पहले फर्स्ट साइड से बेलना स्टार्ट करें, फिर पीछे की तरफ से बेलें, जिससे कि जो आटे के बीच में जो रह जाता है ना, हमारे परांठे के बीच में जो आटा रह जाता है तो वो हट जाएगा। तो गाइज आपको दिख रहा होगा हमारा परांठा कितना बढ़िया बिल के तैयार हुआ है और कहीं से फटा भी नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फटा। अब हम इसे अपने तवे पे रख देंगे और तवा हमारा पहले ही गर्म है, इसको थोड़ा सा पक जाने देते हैं एक साइड से, फिर हम दूसरी साइड पलटेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने जो हमारा परांठा है वो पलट दिया है। अब हम इस पे पहले साइडों में ऑयल घेरें ताकि जो नीचे की तरफ है वो भी पक जाए हमारी अच्छी तरीके से और ऊपर भी। देखिए इस तरीके से, और फिर हम इसे पलट देंगे और फिर हम नीचे दोबारा से ऑयल लगाएंगे। तो गाइस एक तरफ से हमारा पराठा सिकना स्टार्ट हो गया, आपको दिख रहा होगा। हम इसे गोल्डन कर लेंगे अच्छी तरह से, सेक लेंगे दोनों तरफ से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा पराठा कितना बढ़िया सीख के तैयार हुआ है, अब मैं आपको उतार के दिखाती हूँ ये। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने बढ़िया बन के हमारे पराठे जो है तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हमने अपने सारे पराठे बना लिए हैं। तो आप मक्खन और दही के साथ खाकर देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है।